अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारतीय व्यापारी गौतम अडानी के ऊपर काफी संकट के बादल छाए हैं। बीते दो हफ्ते से लगातार गौतम अडानी के शेयर में गिरावट आ रही थी और लगभग 50% से ज्यादा उनके शेयर गिर चुके थे। इसमें गौतम अडानी को कई लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ था और इसी के साथ ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट से पहले पायदान पर आने वाले गौतम अडानी सीधे 22वें नंबर पर आ पहुंचे। लेकिन बजरंग बली का दिन यानी कि मंगलवार गौतम अडानी के लिए खुशियों की बहार लेकर आया। मंगलवार को गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर में भारी वृद्धि देखने को मिली। इसी के साथ गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में मार्केट खुलने के तुरंत बाद 20% की बढ़त देखने को मिली और ये शेयर 1887 रुपए के स्तर पर पहुंच गया और मार्केट बंद होने के साथ ये शेयर लगभग 25% की बढ़त से 1897 रुपए तक पहुंचा। वहीं गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स के शेयर 8.99% उछलकर 594.50 रुपए पर पहुंच गया। अंबुजा सीमेंट के शेयर 3.34% बढ़कर 392.45 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन अडानी के शेयर में अचानक आने वाली तेजी के पीछे की वजह क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल सोमवार को अडानी समूह ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए गिरवी रखे शेयरों को समय से पहले छुड़ाने का ऐलान किया था। इसके लिए अडानी की कंपनी 9200 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है। अडानी समूह ने एडवांस पेमेंट करने की घोषणा कर दी है। इन शेयर्स की मैच्योरिटी दिसंबर 2024 में होनी थी और अडानी समूह कर्ज को पहले ही चुका देना चाहता है। और जैसे ही अडानी समूह ने इसकी एडवांस पेमेंट की बात कही, उसी के दूसरे दिन से अडानी समूह के शेयर में काफी तेजी देखने को मिली है। और बुधवार को जैसे ही शेयर मार्केट की शुरुआत हुई, वैसे ही 1 बजे तक अडानी एंटरप्राइजेस ने 11% तक की बढ़त हासिल करते हुए शेयर की प्राइस 2015 रुपए पर पहुंच गई। अडानी समूह द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि अडानी के शेयर्स आगे क्या करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।